अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा फ्राइज़, जो कि बहुत इजी और यमी रेसिपी है। आप लोग घर में ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा। पिज़्ज़ा फ्राइज़ के लिए मैंने लिए हैं 1 kg पोटैटो। इनको हम फ्राइज़ की शेप में कट कर लेंगे। इतना साइज इसका रखना है। यहाँ हमारे सारे फ्राइज़ कट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 tablespoons भर के मैदा। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सारे अपने फ्राइज़ को फ्राई कर लेंगे। फ्राइज़ को अच्छे से स्प्रेड कर दें ताकि वो आपस में चिपके भी नहीं और डिप ऑयल में डिप भी हो जाए। अब यहाँ मैंने मीडियम को लो कर दिया है और इसको ढक देंगी एटलीस्ट 5 to 7 minutes। अब 5 to 7 minutes के बाद इसको हम थोड़ा सा हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे इनको कलर देने के लिए। ये हमारा चिप्स रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और अपने बाकी के जो बचे हैं हमने हाफ हाफ करके फ्राई करें। अब हम बाकी के हाफ भी फ्राई कर लेंगे। अब सॉस के लिए हमें चाहिए चिली गार्लिक सॉस, गार्लिक मायो और चिली सॉस। यहाँ हम 3 tablespoons ले रहे हैं गार्लिक मायोनीस, 2 tablespoons चिली गार्लिक केचप एंड 1 tablespoon चिली सोया सॉस। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ ये हमारा सॉस तैयार हो गया है। अब चाहिए हमें मिक्स हर्ब। हमने सॉस बनाया है जो वो पिज़्ज़ा सॉस, ऑलिव्स अगर आपके पास हैं तो आपकी मर्ज़ी है, कुटी लाल मिर्च और शिमला मिर्च और हमारे फ्राइज एंड चीज़ मोज़रेला और चैडर। अब हम अपने ट्रे में सारे चिप्स को स्प्रेड कर देंगे। हमने जो सॉस बनाया था वो डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस, कुटी लाल मिर्च, चेडर और मोज़रेला चीज़। अब हम वही प्रोसेस दोबारा रिपीट करेंगे। अब हम लास्ट में इसके ऊपर शिमला मिर्च और ऑलिव्स को डाल देंगे। मैंने ओवन प्री हीट करने के लिए ऑलरेडी रख दिया था 10 minutes के लिए। हम इसे 10 to 15 minutes बेक करेंगे 180 degrees पर। ये देखें हमारे पिज़्ज़ा फ्राइज़ बेक हो चुके हैं। बहुत इजी और बहुत टेस्टी रेसिपी है। आप लोग घर में ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको कैसे लगे, और मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम पर। बहुत यमी और जूसी बनते हैं ये। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।